नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग, लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए ये जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए, और अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 20 से लेकर 26 तारीख तक की। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। खुद को अगर आप सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से सजिटेरियस हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी 20 से लेके 26 तारीख तक की, जो ओवरऑल एनर्जी है वो कैसे रहने वाला है। स्टार के कार्ड, मुझे लगता है पूरा हफ्ता आप खुद को हील करने में व्यस्त रहोगे। योगा, मेडिटेशन, पानी पीना, पौधों को पानी देना, चैंटिंग करना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप उस आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो रुझान है वो बढ़ेगा, और साथ ही साथ आप अपनी चक्रास को बैलेंस करने के बारे में भी सोचोगे। जहाँ तक मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा खुद को हील करोगे। अगर आपने कभी कुछ गलती किया था उसका एहसास आपको होगा, और उस गलती को दोबारा ना किया जाए और उस गलती को सुधारने की जो भी प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं, आप उसको करने की कोशिश करोगे। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। नाइट ऑफ वांड्स, पास्ट में मुझे लगता है आप थोड़ा रेस्टलेस एनर्जी में थे। आप किसी के साथ रिश्ते में थे, बुरी तरीके से किसी के साथ आप फिजिकली अटैच्ड थे, और आप किसी रिश्ते में ज़रूरत की वजह से आप आते जाते रहते थे उस रिश्ते में, एक स्पेशल नीड की वजह से, जैसे कि फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, फिजिकल नीड की वजह से आप उस रिश्ते में आते जाते रहते थे, और आपका जो था एक रेस्टलेस एनर्जी था, ठहराव आप में नहीं था, आप परेशान थे। देखो प्रेजेंट में आपकी एनर्जी, पूरे हफ्ते आपकी प्रेजेंट में नहीं, ये पूरा हफ्ता आपका एनर्जी कितना शांत रहने वाला है। पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा खुद को परेशान किया होगा, खुद पर आपने बहुत जुल्म की होगी, मतलब रेस्टलेस एनर्जी में थे आप। जो कुछ सोच रहे थे किसी के साथ अगर रिश्ते में आना है तो फिजिकल नीड की वजह से प्यार करना, ये मतलब आप में थोड़ी, मैं इसे ना समझी नहीं कहूँगी, थोड़ी चालाकी का इस्तेमाल आप कर रहे थे अपने लाइफ के साथ। देखेंगे प्रेजेंट में आपकी एनर्जी, यस वैसा होना ही था। क्वीन ऑफ कप्स, प्रेजेंट में आप पूरी तरीके से शांत हो ना, अपना जितना उछाल जितना उतावलेपन आप में पास्ट में था, प्रेजेंट में आप में वो कुछ नहीं है। आप खुद को हील कर रहे हो, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, आप शांत रहना पसंद कर रहे हो, कम बोलना, कम चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, लोगों के सामने बहुत ज़्यादा अपना इमोशन को लाना, ये सारा चीज़ आप अभी नहीं कर रहे हो। प्रेजेंट में आप बहुत शांत हो। अभी हम देखेंगे क्या इन दिनों 20 से लेके 26 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में आ सकता है। नाइन ऑफ वांड्स, नो, इट्स अ बिग नो। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो भी नहीं, या फिर कोई, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका इंतज़ार कर रहा है अगर आप रिश्ते में थे तो नहीं। खास करके ये जो वक्त मैंने बताया, इसमें इन दिनों आपके लाइफ में मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई आ रहा है। किंग ऑफ कप्स, प्रेजेंट की अगर मैं कहूँ, प्रेजेंट में कोई आपके नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है तो ये आने की चांसेस है, लेकिन जो भी आएगा बंदा या बंदी,
ये अपना इमोशन छुपा के आपसे डील करेगा। ये मैच्योर कोई बंदा होगा, मिडिल एज वाला, आपका एज कितना है जो भी लोग सुन रहे हो ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी बंदा या बंदी आएगी आपके लाइफ में वो थोड़ा एजेड होंगे, थोड़ा मैच्योर होगा बंदा या बंदी जो भी होगी, और ये अपना इमोशन जो है बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करना जानते हैं। आप कितना भी कोशिश करो इनसे आप इनका इमोशन नहीं जान पाओगे, वैसे आपको पता लग जाएगा लेकिन ये खुल के आपसे अपना इमोशन शेयर नहीं करेंगे। अभी हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए, एंजल आपसे क्या कह रहा है। सजिटेरियस, एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको, देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। ट्रस्ट, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। आपको इस चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके लिए चिंता करने के लिए यूनिवर्स है। और खुद पर विश्वास रखिए जो आप कर रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा हीलिंग मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, जिस भी बात से आप परेशान हो उस बात का जो आंसर है वो आपको अपनी विश्वास से ही मिलेगा, क्योंकि पूरा हफ्ता मुझे लगता है आप सेल्फ हीलिंग में बिता सकते हो। इसीलिए यूनिवर्स आपको खुद पर भरोसा रखने के लिए बोल रहा है, और अपने चक्रास को बैलेंस करें और अपने अंतरात्मा की सुने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।